नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वार्निंग साइंस, कुछ ऐसे संकेत के बारे में जब हमारी बॉडी में PCOS की प्रॉब्लम हो चुकी होती है या होने वाली होती है। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम महिलाओं की ओवरी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आगे जाके बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। इसकी वजह से आपको आगे जाके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप इसका इलाज समय पे नहीं कराते हैं तो इंडोमेट्रियल कैंसर यानी बच्चेदानी में कैंसर की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है इनके साइंस को पहले ही पहचानना है अपनी बॉडी में, जिससे कि ये प्रॉब्लम आगे जाके गंभीर ना हो और आप समय पे इसका इलाज कराएंगे तो आप निश्चित रूप से PCOS से निजात पा सकते हैं। पहले 30 से 35 उम्र की महिलाओं में ही इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, लेकिन आज अगर देखें तो 18 से 20 साल की उम्र की लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। अगर हम इसके साइंस को पहले ही पहचान लेंगे, इनके संकेत को अपनी बॉडी में पहले ही पहचान लेंगे, तो आप समय पे इसका इलाज करा पाएंगे। तो इसका जो सबसे पहला साइन है, जो कॉमन साइंस आपको देखने को मिलता है, वो होता है हर्सुटिज़म। ये क्या है? आपके ऐसी जगह पे बाल आना जहाँ पे जनरली फीमेल्स में हेयर्स नहीं होते हैं, बाल नहीं होते हैं, और ये काफ़ी थिक हेयर्स होते हैं। आपको आपके चेहरे पर या आपके अंगूठों पर या फिर आपके एब्डोमन, लोअर एब्डोमन पर आपको बाल दिखेंगे, इनर थाइस पे आपको बाल दिखेंगे। तो अगर आपको ऐसे अनचाही जगह पर बाल दिख रहे हैं तो आप इसको एक संकेत माने कि आपकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, आगे जाके PCOS की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट जो इसका साइन है वो है हेयर लॉस। हेयर लॉस इसमें आपको मेल पैटर्न में मिलेगा, या तो पैच पैटर्न में रहेगा, या गंजापन आपको आगे से देखने को मिलेगा, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले होने लगेंगे। नेक्स्ट साइन है आपको एक्ने की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और ये स्पेशली आपको मिलेगी आपके फेस के लोअर जॉ लाइन पे या फिर आपके चिन एरिया पे बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम एकदम से बढ़ जाएगी, और ये काफ़ी दर्दनाक एक्ने होते हैं। साथ ही साथ आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा ऑयली भी फील होगी। ये आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन यानी जो मेल हार्मोन है उसके बढ़ने की वजह से होता है। नेक्स्ट जो आपकी बॉडी आपको संकेत देती है वो है चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन या सरदर्द। अगर आपको बहुत ज़्यादा अचानक से चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपका मूड स्विंग हो रहा है बार बार, आपको सरदर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा महसूस होता है, तो हो सकता है ये सारे संकेत PCOS के हों, और ये सारे संकेत हमारी बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस के कारण होते हैं। नेक्स्ट जो साइन है वो है डार्कनेस ऑफ स्किन। इसमें आपको आपके हाथों के पीछे, गर्दन पर या फिर आपके बगल में आपको स्किन डार्क ज़्यादा महसूस होगी, अलग से काली आपको महसूस होगी। नेक्स्ट जो इसका साइन है वो है पीरियड्स। पीरियड्स में क्या, आपके पीरियड्स अनियमित होंगे, बिल्कुल टाइम से नहीं आएंगे, कम आएंगे, और या फिर किन्हीं किसी केस में देखा गया है कि पीरियड्स बिल्कुल ही रुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि PCOS में जो ओवरीज है वो एक्स को रिलीज ही नहीं करती है, एक्स बनते ही नहीं है। नेक्स्ट साइन है वो है इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज। इनफर्टिलिटी यानी कि आप कोशिश करेंगे बट आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, बेबी कंसीविंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, या आप कंसीव भी कर लेंगे तो आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम बार बार आएगी, बार बार मिसकैरेज होगा। नेक्स्ट साइन है वजन का अचानक से बढ़ना, स्पेशली आपके जो बैली फैट है वो आपको अचानक से बढ़ा हुआ लगेगा, और ये होता है PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो अगर आपको ये सारे साइंस आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो हो सकता है आपको PCOS की प्रॉब्लम हो या होने वाली हो, लेकिन आपको ये खुद डिसाइड नहीं करना है, आपको डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है, क्योंकि ये सारे साइंस या इनमें से कुछ साइंस आपको और भी डिजीज़ में, जैसे कि आपको थायराइड में भी ये साइंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको ये सारे साइंस अगर दिख रहे हैं तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, कुछ टेस्ट होंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको PCOS की प्रॉब्लम है या नहीं। और अगर आपको हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।